उत्तर प्रदेश के भदोही में धान खरीदारी केंद्रों पर किसानों की धान की खरीदी में हो रही देरी को लेकर किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलों में होने वाले सत्यापन में देरी की वजह से किसान परेशान है। कई ऐसे किसान भी हैं जिनके सत्यापन में तहसील स्तर से काफी समय लग रहा है, जिसके कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। समस्या सबसे बड़ी तो ये है सर कि बहुत देरी से किसानों का सत्यापन हो रहा है। सत्यापन के लिए किसान दर बदर भटक रहे हैं और सत्यापन समय पर न हो पाने के वजह से जो है उनकी जींस सही ढंग से यहाँ पर तौल नहीं हो पा रही है, क्योंकि सत्यापन पहला उसका आधार बनता है तौल का। तो सत्यापन न होने की वजह से यहाँ उत्पाद नहीं लिया जा रहा है और फिर साथ ही साथ जो है पेमेंट भी आने में देरी हो रही है। एक एक हफ्ते 10-10 दिन 15-15 दिन लग जा रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं कि अगली बुआई कैसे करे किसान, उसका खेती तैयार है। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द सत्यापन हो सर और समय से उसके जो है अकाउंट में पैसे आए, जिससे कि उन पैसों से उसकी थोड़ी सी पूँजी है उसी पूँजी को लगा करके अगली फसल की बुआई करता है वह निश्चित समय पर कर सके। भदोही जनपद में 50 खरीदारी केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से कई खरीदारी केंद्रों से संबंधित किसानों की मुश्किलें तहसीलों से होने वाले सत्यापन में देरी की वजह से बढ़ गई है। कई किसान ऐसे हैं जिनका सत्यापन कई दिनों से हुआ जा रहा है, अब तक पूरा नहीं हुआ। काफी मेहनत और भागदौड़ के बाद भी कई दिन सत्यापन में लग जाते हैं। सत्यापन में देरी के कारण किसान अपनी उपज को सही समय से बेच नहीं पा रहे। सत्यापन के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। ऐसे में अगली बुआई के लिए खेतों की तैयारी भी किसान सही ढंग से नहीं कर पा रहे। समय पर उपज सही नहीं बिकेगी तो उनको समय पर उपज का पैसा भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जो आगे की आने वाली खेतियां है उसमें भी दिक्कतें भी झेलनी पड़ेगी। किसानों की मांग है कि सत्यापन समय से हो, इसकी व्यवस्था की जाए। वहीं विपणन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन किसानों के सत्यापन में देरी की शिकायत मिल रही है उनमें उनके स्तर से मदद की जाएगी और जल्द ही सत्यापन का काम पूरा कराया जाएगा। धान खरीद यहाँ पे 57 किसानों से 2119 कुंटल की हो चुकी है और हमारे केंद्र का लक्ष्य 50,000 कुंटल का है धान खरीद का। और धान खरीद का मानक मतलब रोग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नमी में हम 17% तक ले सकते हैं और धान साफ सुथरा होना चाहिए। इसलिए हम नमी मापक यंत्र से नाप के उनको बता देते हैं कि आपका नमी इतना ज़्यादा है तो आप इसे सुखवा कर फिर लेके आइए तो आपकी धान खरीद हो जाएगी। यहाँ पे जो भी किसान बताते हैं कि सत्यापन नहीं हुआ है तो ज्ञानपुर तहसील में मौर्य जी कर रहे हैं तो उनसे बात करके मैं खुद कह देती हूँ उन्हें कि इनका सत्यापन जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि इनकी खरीद जल्दी हो सके। और मेरा पूरा प्रयास यही है कि किसानों को कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से अपना धान बेच सकें। भदोही से अनंत देव पांडे की रिपोर्ट।